तो दोस्तों ये वन विभाग के 1774 पदों पर होगी भर्ती, ये विज्ञापन कल के अखबार में आया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वन विभाग के युवाओं के लिए 1774 पदों पर भर्तियों का पिटारा खोला है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए अब तक के 5000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, यानी कि जो वन दरोगा के 316 पद हैं उन पर ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वहीं मानचित्रकार, सहायक संख्या अधिकारी, वाहन चालक आदि के 200 पदों पर भी भर्ती होंगी। इसके अलावा विभाग रेंजर के 40 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती कराने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी का कहना है कि अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है। मानचित्रकार, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और वाहन चालक के करीब 200 पदों पर भी वन विभाग भर्ती कर रहा है। कुल मिलाकर इन सब पदों के लिए 1.85 लाख युवाओं के दौड़ में शामिल होने का अनुमान है। मुख्य वन संरक्षक मानव विकास मनोज चंदन के मुताबिक कुछ अन्य पदों पर भी भर्ती होंगी जो कोर्ट के कारण लटकी हुई थी। रेंजर के 40 पदों पर नियुक्तियों का अधिवेशन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। आप इसमें देख सकते हैं कि बन दरोगा के 316 पद जिन पर जो है ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। मानचित्रकार वे अन्य में, मतलब इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि संख्या अधिकारी और वाहन चालक इनके सबके 200 पद हैं, फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पद और रेंजर के 40 पद, कुल मिलाकर 1774 पद हैं जिन पर 316 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। तो आप इन पर जल्द से जल्द ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो बन दरोगा के 316 पद थे उसमें कृषि और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे, उसमें क्वालिफिकेशन इंटर मांग रखी है। ये मैंने अपना एक वीडियो बनाकर अलग से डाल दिया, आप उस पर देख सकते हैं।